सर आपका नाम बोलेंगे और ये जो गाड़ी आ रहा है कहाँ से आ रहा है और कौन कौन सा स्टेट अभी तक घूम चुका है? मैं डॉक्टर अमित डालमिया ओरल ऑन्कोलॉजिस्ट मारवाड़ युवा मंच नवयुग शाखा के तरफ से। ये जो गाड़ी है मोबाइल कैंसर वैन, ये अपना सेंटर का एक वैन है मारवाड़ युवा मंच का, और ये अभी 1.5 महीना हो गया उड़ीसा में ही कैंसर स्क्रीनिंग में अपनी मदद कर रहा है। ये कौन कौन से स्टेट अभी घूम चुके हैं? राजस्थान के बाद अभी उड़ीसा आया है। वैसे ये गाड़ी 2016 से एक्टिव है। इसमें कौन कौन से डॉक्टर रहेंगे, स्पेशलिस्ट क्या रहेंगे? इसमें अपने कैंसर स्पेशलिस्ट रहेंगे, ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट रहेंगे, सर्जन रहेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट रहेंगे। इसमें पेशेंट लोग क्या क्या प्रॉफिट होगा? इसमें पेशेंट लोग को फ्री में अर्ली कैंसर स्क्रीनिंग होगा, जिसके लिए चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट में लीवर कैंसर, ओवरियन कैंसर, सर्विक्स कैंसर का ब्लड टेस्ट फ्री रहेगा, ओरल कैंसर स्क्रीनिंग रहेगा। कितना तारीख को होगा, कहाँ पर होगा? ये जो स्क्रीनिंग कैंप है ये 31 मई मंगलवार 2022 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में सवेरे 8 बजे से 2 बजे तक रहेगा। अगर उसके बाद और कोई आएंगे पेशेंट तो फिर अगर और कोई चेक कराने लाइन लग गए तो? सॉरी, अगर और ज़्यादा नंबर लग गए तो कैसे करेंगे? अपना इसमें 150 पेशेंट तक का कैपेसिटी है। हाँ। और अगर 150 आ गए तो बहुत है, ऐसा नहीं होगा कि अच्छा पेशेंट को ज़्यादा लाइन लगना पड़े। अभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है? रजिस्ट्रेशन चालू है, रजिस्ट्रेशन के लिए 2 नंबर दिए गए हैं पैम्फलेट में, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब तक कितना रजिस्ट्रेशन हो गया होगा? ठीक है। अच्छा, कैंसर को क्यों टारगेट कर रहे हैं आप? हाँ, कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिसका अर्ली स्टेज में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और इससे एक नहीं बल्कि पूरे परिवार का जीवन बचता है। और आज के दिन में कैंसर, मतलब क्या बोलते हैं, डेथ का सेकेंड सबसे बड़ा कारण है भारत में। नो टोबैको डे के ऊपर आप कैसे कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि अपन जानते हैं तंबाकू एक ऐसा चीज है जिससे कि कैंसर होता है और तंबाकू का कोई जीवन में उपयोग नहीं है, पर यही तंबाकू के कारण सबसे ज्यादा कैंसर होता है, तो उसी के लिए नो टोबैको डे पे किया जा रहा है ताकि अपन लोगों को तंबाकू से बचाएं और काफी जीवन उससे बच सके। आपका नाम बोलेंगे? मैं युवा चेतन डिब्रेवाल। तो देखा गया आपके प्रेसिडेंसी में बहुत काम किए, ब्लड डोनेशन कैंप किए, हेल्थ कैंप किए, एसएसटी में प्रोग्राम किए, बहुत से संबलपुर में बहुत काम किया कि आज तक कोई युवा इतना कर नहीं पाया। इसके बारे में अभी बताएंगे, अभी जो नया आ रहा गाड़ी तो इसके बारे में क्या करेंगे? अभी ये हम लोगों का नेशनल के तरफ से एक मुहिम चलाया जा रहा है कि कैंसर फ्री इंडिया, उसके लिए हमारा तरफ से एक गाड़ी वैन पूरा रेडी किए हैं, उसी के अंदर में सारा टेस्टिंग इक्विपमेंट सब कुछ है। वो वैन हर बार एक एक स्टेट में जाती है, वहाँ 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक अलग अलग शहरों में उसका कैंप कराया जाता है। इसके अंदर में सब रकम के कैंसर से जांच से रिलेटेड करीब तकरीबन सारी जांच की सुविधाएं हैं। मैमोग्राफी हो गया, प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्शन हो गया, ओरल डेंटल कैंसर डिटेक्शन हो गया, सारी सुविधाएं इस वैन के अंदर में है। तो यहाँ इस पर जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में कितना जन को टारगेट रखे हैं? देखिए, जो वैन की कैपेसिटी है एक दिन में 150 पेशेंट की, और लोग अभी भी डर के मारे चेक कराने नहीं आ रहे हैं। हमारा कैंप में आज तक भी कभी किसी भी कैंप में 150 पेशेंट हुए नहीं है, तो लोग डर के मारे आते नहीं है कि हमारा कुछ निकल गया तो। लेकिन मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि भैया अगर आपका जल्दी निकल जाता है तो इसका अच्छा इलाज हो जाएगा। वो जल्दी मतलब फर्स्ट स्टेप में जल्दी ठीक हो जाता है? फर्स्ट स्टेज में या एकदम इनिशियल स्टेज में आकर आपका डिटेक्शन हो जा रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपका इलाज हो जाएगा। ना निकलेगा तो और अच्छा है, कोई ज़्यादा तकलीफ है। ना निकलेगा तो और भी अच्छा है, ना निकले तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं।